मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मधुमेह होने के कारण को विस्तार से बताया है। इसमें हमने ये भी बताया है कि शुगर रोगी डायबिटीज को घर बैठे कैसे नियंत्रित कर सकता है। आज हम बात करेंगे शुगर होने के कारण के बारे में। शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। वंशानुगत होने की वजह से यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अपना शिकार बना रही है। बेहद कम उम्र में ही युवा इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये है शुगर होने के सबसे बड़े कारण। शुगर की बीमारी का पता रोगी को तुरंत नहीं चलता। रोगी को छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, जैसे ज्यादा भूख लगना, प्यास लगना, धुंधला दिखाई देना, थकान होना आदि, लेकिन रोगी इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देता है। कई सालों बाद जब समस्या बढ़ जाती है और लगातार दिक्कत रहने लगती है, तब पता चलता है कि रोगी को शुगर हो चुकी है। शुगर के मुख्य कारण अनुवांशिकता। शुगर होने का यह सबसे बड़ा कारण है। शुगर एक वंशानुगत बीमारी है। आपके परिवार में जैसे माता को या पिता को या भाई को किसी को भी शुगर की बीमारी है, तो आपको भी शुगर होने के चांस बढ़ जाएंगे। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप पहले से ही सतर्क रहें और खानपान का खास ख्याल रखें और अपना शुगर लेवल भी चेक करते रहें। अनियमित खानपान। खाने पीने में लापरवाही आपको शुगर का रोगी बना सकती है। खाने का एक संतुलित समय बनाएं और उस समय भोजन जरूर करें। कुछ लोग सुबह नाश्ता नहीं करते और जब दोपहर को तेज भूख लगती है तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिसे पचाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए संतुलित रूप में खाएं। भूख लग रही हो तो भोजन जरूर करें और शाम को हल्का भोजन भी करें। नींद कम लेना। कम सोने वाले रोगियों में शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं। कभी कभी कम सोना तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप लगातार कम ही सो रहे हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी जल्दी अपना शिकार बनाती है। बहुत अधिक खाना। ज्यादा खाना न सिर्फ पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है, बल्कि यह आपको शुगर का रोगी भी बना सकता है। कुछ लोगों को खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो डटकर खाते हैं, और ऐसे लोग अक्सर अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा खाने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना भी डायबिटीज का कारण है। मोटापा बढ़ना। मोटे लोग शुगर की बीमारी का आसानी से शिकार हो जाते हैं। यूं कहिए कि शुगर की बीमारी ज्यादातर मोटे लोगों को ही होती है। मोटापे को कंट्रोल में रखें, क्योंकि मोटापा आपको शुगर के अलावा अन्य बीमारियों का शिकार भी बना सकता है। ज्यादा तनाव में रहना। ज्यादा तनाव में रहने पर हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप लगातार तनाव या अवसाद जैसी स्थिति से घिरे रहते हैं तो सावधान हो जाएं। ज्यादा मानसिक तनाव में रहने वालों को शुगर का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक कार्य न करना। जो लोग दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते, उन लोगों को शुगर की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। भोजन के सही पाचन के लिए थोड़ा शारीरिक व्यायाम बेहद जरूरी है। शारीरिक निष्क्रियता आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर डालता है, इसलिए थोड़ा व्यायाम रोजाना जरूर करें। जंक फूड का सेवन। जितने भी जंक फूड हैं उनमें ताकत या एनर्जी तो होती नहीं है जो आपके शरीर को चाहिए, लेकिन इन सब में फैट, ऑयल, ये सब बहुत ज्यादा होता है। लगातार इन सब का सेवन आपकी पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। जंक फूड ज्यादा खाने वाले लोग शुगर का शिकार हो जाते हैं। घर बैठे कैसे करें नियंत्रित। डायबिटीज या शुगर एक गंभीर समस्या है। पिछले कुछ दशकों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। डायबिटीज की स्थिति में मरीज के खून में शुगर घुलने लगता है, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फेफड़ों और लिवर की कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, इसलिए इससे बचाव बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि सामान्य तौर पर आपका ब्लड शुगर को घर पर कैसे चेक कर सकते हैं। डायबिटीज में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसकी आशंका होने पर या डायबिटीज की पुष्टि होने पर आपको लगातार अपना ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए। ये चेकअप आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए बाजार में ग्लूकोमीटर मौजूद हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक दवा से भी अपना शुगर नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज मधुमेह आयुर्वेदिक इलाज।
डायब गुण कैप्सूल शुगर का असरदार का आयुर्वेदिक इलाज है जो न केवल मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करता है बल्कि साथ ही डायबिटीज को बढ़ने से बचाता है। डायब गुण कैप्सूल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ayurvedresearchfoundation.in पर जाएं। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए remediesayurshit@gmail.com पर ईमेल करें या अपना प्रश्न यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हम हमेशा एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।